एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फैक्ट्री में। और आज का ये वीडियो कोई फैक्ट वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि कैसे आप कैलीग्राफी फॉन्ट्स में लिख सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो या आपको बिल्कुल नहीं आता, या फिर आप लिखना चाहते हो पर अभी लिख नहीं पा रहे हो, तो एक सिंगल टिप मैं देने वाला हूँ जो कि कैलीग्राफी की दुनिया की सबसे बड़ी टिप है। अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो दुनिया भर का कोई भी फॉन्ट आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे इस टाइप के फॉन्ट्स अगर आपने वो टिप फॉलो कर ली तो बहुत आसानी से लिख पाओगे। कैलीग्राफी की दुनिया में जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये कि लोगों को लगता है कि अगर उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तब वो अच्छे कैलीग्राफिक फॉन्ट्स नहीं लिख सकते, वो अच्छे फॉन्ट्स नहीं बना सकते, वो दुनिया भर के जितने भी अलग अलग स्टाइल्स में राइटिंग होती है वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हैंडराइटिंग पहले बहुत बुरी हुआ करती थी, बट उसके बाद मैंने उसको इम्प्रूव किया, बट उसका कैलीग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक दो एक्सरसाइज बताऊंगा वीडियो के बीच में, ताकि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन लोग बिगिनर्स हैं, वो कैसे बहुत इम्पैक्टफुली लिख सकते हैं। ओके, तो जिन टूल्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है एक आइसोमर्स कंपनी का कैलीग्राफी डिप पेन सेट, यानी आपको इंक पॉट में इसको डिप कर करके बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बार डिप करके लगभग 10 से 20 सेकेंड्स के लिए लिख सकता है। नेक्स्ट अप जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ये कैलीग्राफी अर्गोलाइन आर्टलाइन के 3 पैरेलल निब पेन्स, और इनकी जो विड्थ है वो लगभग 3 mm, 2 mm एंड 2 mm। तो 2 mm एंड 3 mm आर इन ब्लू एंड 2 mm इज इन ब्लैक। ये 3 पेन का सेट आता है लगभग 180, 190, 200 के आसपास का। ये सेट आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट्स में मिल सकता है, पर ये आपको ज़्यादातर ऑनलाइन मार्केट्स में ही मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ओके, सो मेरे पास जिन कैलीग्राफी पेन्स का कलेक्शन है वो कुछ इस टाइप के हैं। लाइक ये एक पैरेलल टिप पेन है, इसकी टिप आप देख सकते हो, इट्स अ पैरेलल टिप पेन एंड इट्स अ शार्प पॉइंटेड टिप, ये शार्प पॉइंटेड है। और मैं इन सबसे आपको लिख करके बताऊंगा कैसे आप लिख सकते हो, और ईजीएस्ट वे में, जिसमें अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप अच्छा खासा लिख सकते हो। लाइक ये हमारे पास एक पैरेलल टिप पेन है, ये आर्टलाइन अर्गोलाइन कंपनी का है, और ये 3 पेन का सेट आता है, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, इसके अलावा भी डिफरेंट कलर्स में आता है। और ये मेरे पास है 2 mm, 2 mm एंड 3 mm। 3 mm इज़ द विड्थ ऑफ इट्स टिप, ये जो इसकी टिप है इसकी विड्थ है वो 2 mm है। दिस इज ऑफ 3 mm एंड दिस वन इज 2 mm, 2 mm। मैं आपको बताता हूँ वो सिंगल टिप जिससे आप कैलीग्राफी फॉन्ट्स बना सकते हो, आप लिख सकते हो और बहुत क्लासी, बहुत कूल से फॉन्ट्स बना सकते हो। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक जो सिंगल सा टिप आप लोगों ने फॉलो करना है वो ये कि आप जब नॉर्मली राइटिंग करते हो तब आप जो पेन है उसको घुमाते रहते हो हाथ के अंदर, बट कैलीग्राफी में आपको पेन को होल्ड करके रखना होता है। जैसे हमारी नॉर्मल आदत होती है कि हमने पेन खोला, हमने उसको रोटेट करना शुरू कर दिया, लाइक दिस हम लिखते हैं, थोड़ा सा फिर रोटेट करते हैं फिर। तो यहाँ आपको आपको राइटिंग पेन का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं करना है, यानी अगर आपने इसको किसी एक सर्टेन एंगल पे पकड़ लिया, लेट्स से आपने 30 डिग्रीज के एंगल पे अगर आपने इसको पकड़ लिया है, देन ये अब यहीं रहेगा, आपने इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है और फिर इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके जो फॉन्ट्स हैं वो पैरेलली बहुत ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग शुरू कर लेते हैं। ओके, सो हेयर आई हैव टेकन अ सिंपल पेपर, आप इसकी जगह कुछ भी, आप कैनवस पेपर या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो पेपर ले सकते हो। एंड जस्ट आई टोल्ड यू कि आप लोगों को सिर्फ एक पैरेलल टिप का इस्तेमाल करना है और पेन को घुमाना नहीं है। सो लाइक मैं इसको यहाँ होल्ड कर रहा हूँ एंड देन आई ट्राई टू शो यू कि आप किस तरीके से लेटर्स बना सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको एक डायरेक्टली बना करके दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट, ए देन सो एज यू आर वॉचिंग कि हम पेन की जो टिप उसको रोटेट नहीं करें, दैट्स वाई जो पैरेलल कंडीशन से अपने आप बन जाती है। अगर आप इसको रोटेट करोगे तब ऐसे फॉन्ट्स नहीं आएंगे, इसको बार बार हटाने की कोशिश ना करें, आपने जिस तरीके से पकड़ रखा है आप उसी तरीके से बनाते रहें। लाइक मैं आपको सी भी बना करके दिखा देता हूँ, दिस इज हाउ वी मेक सी। मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब भी है तब भी आप बना सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कैलीग्राफी से, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको स्ट्रोक्स कैसे लेने होते हैं। लाइक जैसे ए के लिए मैंने यहाँ से लिया राउंड, और फिर लाइक हमने यहाँ से एक राउंड लिया था एंड देन हम यहाँ से स्ट्रेट गए थे, तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले इस टाइप के स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है कि आप ऐसे कैसे लेकर के जाएंगे। तो आप इस टाइप की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आपको डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लाइक दिस। आप अगर इस टाइप के शेप्स बनाने की कोशिश करेंगे देन आप बहुत इजीली फॉन्ट्स बना सकते हैं। 2 mm ब्रॉड भी दिखा देता हूँ, सो दिस इज 2 mm ब्रॉड ब्लू कलर इंक। अगेन आप इसको किसी भी एंगल पे आप फिक्स करके आप पकड़ सकते हैं, लाइक दिस, मैंने इसको इस एंगल पर पकड़ लिया है, एंड देन अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड देन स्ट्रेचिंग लाइक दिस,
इस तरह से आपने लिखना है। सो दिस इज आवर डिप पेन, इस डिप पेन का मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। अगेन इसके साथ भी सेम कंडीशन है कि आपको इसको पैरेलली ही पकड़ना है। इसको अगर आप रोटेट करोगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे, राइट। इसके अंदर भी आप अगर देखोगे यहाँ पर गौर से, तो यहाँ एक होल होता है छोटा सा, अगर आपको ये दिख रहा है शार्प पॉइंटेड, इस होल तक ही आपको डिप करना होता है। सो दिस इज हाउ द डिप पेन वर्क्स। अब इसका जो इंक सस्टेनेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो आपको बार बार डिप करना पड़ता है, बट स्टिल इतना कम नहीं होगा कि आप लिख ना पाओ। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट विद अ पैरेलल टिप पेन। इसको डिप पेन बोलते हैं क्योंकि इसको डिप करके चलाना पड़ता है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो हम देखेंगे इस शार्प पॉइंटेड निब की मदद से। इस शार्प पॉइंटेड निब से आप कैसे कैलीग्राफिकली लिख सकते हो। सो सिर्फ स्ट्रोक्स का सारा गेम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आपको मैंने जो एक्सरसाइज बताई है, आपने इस टाइप से ये फिगर्स बनाने हैं। सो इसको भी डिप कर लेते हैं। अगेन इसके अंदर भी एक होल है जो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको होल दिखाई दे रहा है। इस होल तक आपको इसने डिप करना है ताकि आपकी जो इंक है वो इसके अंदर फिल हो सके। अगेन वी आर रेडी विद दिस शार्प पॉइंटेड टिप। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जब ऊपर जा रहे हैं तब आपने बहुत लाइक लाइटली आपने ऊपर लेकर के जाना है, एंड व्हेन यू आर कमिंग डाउन तब आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है लाइक दिस। दिस इज हाउ यू कैन राइट विद दिस शार्प पॉइंटेड पेन, राइट। लाइक मैं आपको बी बना करके दिखा देता हूँ, लाइक कमिंग स्ट्रेट पतला एंड देन स्ट्रीमिंग लाइक दिस, राइट। And when you are going for C, तो upward stroke like this, and then downward stroke like this. अगर मैं आपको छोटे strokes भी बना करके दिखाऊँ, like small letters अगर आपने लिखने हैं, then आप वो बहुत आसानी से लिख सकते हो। Like upward stroke is thin, then coming down, then coming down, then again. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशनल, इंस्पिरेशनल बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ और तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।